आज मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूंगा, चैप्टर आपका 4 है जो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जब देखिए ध्यान से, होता क्या है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, अगर कोई भी इक्वेशन आपको इस फॉर्म में गिवन है ax + by + c = 0, तो ये क्या होगी आपकी लीनियर इक्वेशन, क्या होगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल का मतलब ये हो गया यहाँ पे एक्स और वाई, एक वेरिएबल आपका x हो गया, एक हो गया y। तो कोई भी अगर इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है तो वो क्या होगी आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। और एग्जांपल कोई क्वेश्चन लेते हैं, जैसे दे रखा है 2x + 3y = 8, तो इसको इस साइड लेके आ जाएंगे तो 2x + 3y - 8 = 0। तो अब यहां से आपसे वैल्यू पूछी जाएगी ए बी सी की वैल्यू, तो आप इसकी कंपेयरिंग कर देंगे इससे ax + by + c = 0, यहां से आपकी ए की वैल्यू हो जाएगी 2, बी की वैल्यू हो जाएगी 3 और सी की वैल्यू हो जाएगी -8। जब कोई भी इक्वेशन की हम किसी इक्वेशन से कंपेयरिंग कराते हैं कॉपी सेट की, तो जैसे यहाँ पे ए जब कंपेयरिंग की एक्स एक्स क्या हो जाएगा कैंसिल, एक को कितना आ गया 2। अगर यहाँ पर सिंबल माइनस होता तो यहाँ माइनस कट हुआ था, जो उसके आगे सिंबल गिवन होता है कॉपी स्टैंड के आगे वो सिंबल भी हम यहाँ पे यूज करते हैं। जैसे यहाँ बी कुड़ आपको कितना आएगा 3, सी कुड़ कितना आएगा -8, क्योंकि आगे क्या दे रखा है -8। आगे बात करते हैं हम लोग, जो आपका एक्सरसाइज 4.1 गिवन है उसमें पहला क्वेश्चन बोला गया है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है। जो आपके नोटबुक की कॉस्ट है वो ट्वाइस है कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। तो हम मान लेंगे द कॉस्ट ऑफ नोटबुक = x एंड द कॉस्ट ऑफ पेन = y, ठीक है। उसने बोला है द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, नोटबुक की जो कॉस्ट है वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है। नोटबुक का कॉस्ट जो है वो ट्वाइस है द कॉस्ट ऑफ पेन, यानी पेन की कॉस्ट में अगर 2 में मल्टीपल कर देंगे तो वो नोटबुक की कॉस्ट बराबर हो जाएगा। ये बोला गया है राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है। इसको अगर इस साइड ले आए x - 2y = 0, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया। मुझे यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म नहीं की मैंने, तो उसका मतलब ये होगा x - 2y + 0 = 0, लेकिन ये आपका लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगा। अगर इसकी कंपेयरिंग करा दें ax + by + c = 0 से, तो यहाँ पे a की वैल्यू आपकी आएगी 1, b की वैल्यू आएगी आपकी -2 और c की वैल्यू क्या आएगी 0, यानी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या आपका 0। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, उसमें बोला गया एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ, यानी जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनको हमें जो आपका लीनियर इक्वेशन फॉर्म होता है ax + by + c = 0 के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना है। जो क्वेश्चन मुझे गिवन है, आपका क्वेश्चन पहला गिवन है 2x + 3y = 9.35, ये आपका गिवन है, तो इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा 2x + 3y - 9.35 = 0 एंड बोला गया आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो इसकी हम कंपेयरिंग करा देंगे ax + by + c = 0, इन दोनों इक्वेशन को जब कंपेयर करेंगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा, आपका a कुल कितना आएगा 2, y से y कैंसिल तो आपका b कुल हो जाएगा 3 और c कुल आपका आएगा 9.35, जो भी वैल्यू कांस्टेंट दे रखी है। इस प्रकार आप a b c की वैल्यू निकालेंगे। 4.1 एक्सरसाइज जो है बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आगे बात करते हैं हम लोग।
अब आगे आपसे बोला जाएगा सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, यानी किसी भी लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन फाइंड करने होंगे। तो हम लोग सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे बात करते हैं। सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसे कोई भी इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y equal to 12, ठीक है, तो हमें सोल्यूशन बताने हैं लीनियर इक्वेशन के, आपके सोल्यूशन क्या होंगे, ठीक है। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिंपल सा एक काम करेंगे, यहां पर x और y की ऐसी वैल्यू पुट करेंगे कि दोनों साइड मेरा जो LHS और RHS साइड क्या आ जाए इक्वल। तो आपको एक सिंपल सा ट्रिक बताएंगे, पहले हम इसको 2x को इधर रखेंगे और 3y को उधर भेज देंगे, 12 माइनस क्या जाएगा 3y। आप बोला गया है इसके सोल्यूशन फाइंड करने, क्या फाइंड करें सोल्यूशन, ठीक, फाइंड करेंगे सोल्यूशन। हम एक छोटा सा यहां पे एक बॉक्स बनाएंगे इस प्रकार, यहां पे हम लिख देंगे x, यहां पे लिख देंगे y, ठीक। यहां पर x इक्वल क्या लिख सकते हैं 12 माइनस 3y बाई 2, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहां पे y की कुछ वैल्यू लेंगे, अपने मन से लेंगे, अपने मन से वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू आपके निकल के आएगी। अगर हम यहां बात करें इफ y इक्वल टू 2 या y इक्वल टू हमने ले 0, कितना ले ले 0, y की वैल्यू हमने क्या ली 0, तो यहां पे x की वैल्यू कितनी आएगी 12 माइनस 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 अपॉन 2, तो x इक्वल टू आएगा 12, 3 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 अपॉन 2, तो आपका x इक्वल टू आएगा 12 बाई 2, 2 6 जाए, यानी x वैल्यू क्या आ गया आपकी 6। y की वैल्यू जब हमने 0 ली तो x की वैल्यू क्या आ गई 6, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, अब y की वैल्यू यहां पर लेते हैं हम लोग 1, y की वैल्यू 1 लेंगे तो x इक्वल टू आपका क्या होगा, x इक्वल टू होगा 12 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, ये हमने 1 ली तो x इक्वल टू आपका आएगा 12 माइनस 3 अपॉन 2, तो x इक्वल टू आएगा 12 में 3 आएगा 9 अपॉन 2, डिवाइड करेंगे तो x वैल्यू आएगी 4.5, 4.5। आगे बात करते हैं, अगर यहां पे हम if y इक्वल टू 2 लेते हैं, y की वैल्यू 2 लेंगे तो x वैल्यू क्या आएगी आपकी 12 माइनस 3 इंटू, जो वैल्यू हम लोग लेते हैं सपोज करते हैं मानते हैं वो y की जगह पुट करते हैं, करेंगे पुट 2 अपान नीचे क्या है 2, तो x इक्वल टू आएगा 12 माइनस 3 टू या 6 अपान 2, यानी x वैल्यू आ जाएगी 6 अपान 2, 12 में से क्या है 6 अपान 2, 2 3 या, यानी x वैल्यू कितनी आ गई 3। अगर हम y इक्वल टू यहां पे लेंगे 2 तो x वैल्यू कितनी आ गई 3, ये मेरे क्या निकल के आ रहे हैं सोल्यूशन, क्या निकल के आ रहे हैं सोल्यूशन। जितने सोल्यूशन पूछते 2 3 4 1 पूछेगा तो मेरा ये वन सोल्यूशन आ गया था, दो पूछेगा तो दो सोल्यूशन होंगे, तीन पूछे तीन, जैसे जितने सोल्यूशन पूछेगा वैसे आप निकालते जाओगे। तो मेरा यहां पे सोल्यूशन क्या हो गया, इन सोल्यूशंस को हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखते हैं, किसके फॉर्म में लिखते हैं कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, और कोऑर्डिनेट को किस फॉर्म में लिखते हैं हम लोग एक्स कमा वाई के फॉर्म में। तो मेरा पहला सोल्यूशन क्या होगा 6,0 यहाँ पे एक्स कमा जीरो वाई, फिर क्या आएगा 4.5,1 यानी 4.5 को हम ये भी लिख सकते हैं 9/2,1, फिर अगला क्या है आपका 3,2, ये आपके क्या होंगे सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो आपको कैसे किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड करते हैं वो आप लोग ऐसे कर लोगे। आगे बात करते हैं हम लोग, अगर कोई एक लीनियर इक्वेशन गिवन है इस फॉर्म में ax plus by plus c equal to 0, केवल एक लीनियर इक्वेशन गिवन है, ओनली वन लीनियर इक्वेशन गिवन है, और बोला जाए एक ये लीनियर इक्वेशन जो है इसके कितने सोल्यूशन होंगे, तो इसके इनफिनिटी सोल्यूशन होंगे, यानी बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। यानी अगर कोई आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ सोल्यूशन, तो आप बोलोगे इस लीनियर इक्वेशन के इनफिनिटी सोल्यूशंस होंगे, यानी बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। अब पहला जो क्वेश्चन आपका है एक्सरसाइज 4.2 में, 4.2 में यही बोला गया है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई, y इक्वल टू आपको गिवन है
3x plus 5, और बोला गया इस लीनियर इक्वेशन के कितने सलूशन होंगे, तो आप लोग बोलोगे इसके मैनी यानी बहुत सारे इनफिनिटी मैनी सलूशंस होंगे। दूसरा क्वेश्चन में बोला गया है राइट 4 सलूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन, जो कि अभी मैंने कराया था आपको, इसके पहले वाला क्वेश्चन उसी प्रकार कर लेंगे। भी बोला गया चेक विच ऑफ द फॉलोइंग सलूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी आप इक्वेशन की मैंने तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल टू 4 बोला गया है, नीचे जो दे रखी वैल्यू बोला गया बताओ इसका सलूशन है कि नहीं। पहला दे रखा है 0, 2, यानी x की वैल्यू यहाँ 0 है और y की वैल्यू 2 है, ये x होता है ये y होता है, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, अगर बोथ साइड इक्वल आती है एच द्वारा से तो सलूशन है, अगर इक्वल नहीं है तो सलूशन नहीं है। तो x वैल्यू यहाँ पे क्या 0 - 2 × 2 = 4, यहाँ क्या आएगा 0 - 4 = 4, यानी -4 does not equal to 4, यानी इक्वल नहीं है तो 0, 2 सलूशन नहीं है। यानी अगर LHS और RHS दोनों साइड इक्वल आती है तो आपका सलूशन है, अगर इक्वल नहीं है तो सलूशन नहीं है। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, आप कर लोगे। एक लास्ट क्वेश्चन है 4.2 का, क्वेश्चन नंबर 4, वो बता देता हूं मैं, जब देखिए ध्यान से। क्वेश्चन बोला गया है फाइंड द वैल्यू आपके इफ x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ 2x plus 3y इक्वल टू k, यानी ये और ये इस इक्वेशन का सलूशन है, तो k की वैल्यू फाइंड करिए। मुझे पता है अगर कोई भी वैल्यू किसी गिवन लीनियर इक्वेशन का सलूशन होता है तो उसको सेटिस्फाई करेगा, तो जहां पे x है वहां x पे वैल्यू रख देंगे 2 × 2 + 3 × 1 = k, 2 × 4 + 3 = k, यानी k की वैल्यू कितनी आ गई 7। ये आपका हो गया आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 4.1 एंड 4.2। इफ यू हैव एनी डाउट, आपके पास कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी एनी टाइम एनी।